Hello everybody, this is Dr. Hina Thavar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. So students, as you all are aware, 31st May को NTA का notice out हुआ था, जिसके according NTA ने already आपका examination schedule जो है वो out कर दिया है. आप लोगों का examination है 18th of June को, one nation one examination. लेकिन one nation one examination में exam जो है वो conduct किया जा रहा है दो different shifts के अंदर. यानी you have lot many of papers, so it's not possible कि आप सारे ही papers एक दिन में करवा दे, तो 80 plus papers हैं. इस रीजन से एक रहेगा शिफ्ट नंबर वन, जिसमें 9:30 से 12:30 तक आपका शिफ्ट नंबर वन चलेगा, एंड 3 से 6 PM तक शिफ्ट नंबर टू चलेगा, जिसमें आपका पेपर वन और पेपर टू दोनों एक साथ एक ही शिफ्ट में कंडक्ट किया जाता है. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एजुकेशन, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इधर कॉमर्स, तो सारे बड़े पेपर सब एक ही दिन में है. ऑलमोस्ट 80 प्लस एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे आपके 18th of June को. काफी बड़ा एग्जाम है. अब बड़ा सवाल ये आता है कि जैसे कि आज तक हमने ये देखा था कि बच्चों को बहुत सारी सिटीज में ट्रैवल करना पड़ता था, तो ट्रैवल एक बहुत बड़ा इश्यूज था जो उन बच्चों के लिए जिनको दूसरी जगह से ट्रैवल करना पड़ता था एग्जाम के लिए. और इस रीजन से हमेशा से बच्चे कहते थे कि एडमिट कार्ड या सिटी इंफॉर्मेशन को जल्द से जल्द बता दिया जाए. लेकिन होता क्या था कि 1 वीक प्रायर ही आपको अपना एडमिट कार्ड में सिटी इंफॉर्मेशन के बारे में मालूम चलता था. लेकिन इस बार आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुड न्यूज ये है कि एग्जाम ऑफलाइन मोड में होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा. इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग तो है नहीं जो आपको कंप्यूटर्स की अवेलेबिलिटी की जरूरत हो, इस रीजन से आप लोगों को ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा. जो फीडबैक रहा है CUET के PG एग्जाम्स में, बच्चों ने जो सेंटर डाला था, जो स्टेट का, जो सिटी डाला था, वही उनको मिल रहा है. एंड आपका जो सिटी इंफॉर्मेशन का नोटिफिकेशन है, आज की न्यूज़पेपर में भी आया है, एनटीए आपको 10 दिन पहले बताएगा. यानी एग्जाम है 18th को, सो होपफुली बाय 10th ऑफ जून, 10 जून तक एनटीए आपको ये बता देगा. आपके लॉगिन करके आप चेक कर पाएंगे कि आपको कौन सी सिटी में एग्जाम देने जाना है और आपके सेंटर का नाम क्या रहेगा. सो बेसिकली बाय 10th, मेरे जहां उम्मीद है 10th से पहले भी आ सकता है, बट 10th या 11th जून को आपका इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि आपका एग्जाम किस सिटी के अंदर हो रहा है. तो यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट. एंड सेकेंडली, आप 11 से 12 जून तक अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाओगे. सो बाय 10th टू 11th जून आप प्लीज एक्टिव रहिएगा. आपका सिटी इंफॉर्मेशन के साथ साथ एडमिट कार्ड भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो आपकी जितनी भी तैयारी है, अब सारी की सारी आपका जो फोकस है एग्जाम की तैयारी पर हो जाना चाहिए, क्योंकि इस बार एनटीए काम टाइमली कर रहा है. और गुड न्यूज ये है कि इस बार आपका जो रिजल्ट है वो भी टाइमली आएगा, क्योंकि उनका ये कहना है, जो आपके यूजीसी के चेयरमैन है जी हैं जगदीश कुमार जी, उनका ये कहना है कि ऑफलाइन मोड को एसेस करना इजी है इन कंपैरिजन टू द कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग. तो उम्मीद है रिजल्ट भी जुलाई के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, बट पहले जरूरी है एडमिट कार्ड. तो 10th से 11th जून के बीच में आपका एडमिट कार्ड, सिटी इंटीमेशन, सब कुछ आउट हो जाएगा. तो प्लीज पढ़िए, बिकॉज अब सिर्फ 7 दिन रह चुके हैं. ऑल द बेस्ट टू यू पीपल. Stay regular on the channel, because we are arranging lot of marathons. We will be conducting so many marathons for you and mock tests for you within the last 10 days. So make sure you do not miss any session. Stay blessed. Take care.